इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के 138 साल जल्द ही पूरे होने वाले, जिसे लेकर के पार्टी ने एक मुहिम चालू किया है जनता से चंदा इकट्ठा करने का। पर कभी किसी ने सोचा है कि आखिर इतनी पुरानी पार्टी पे क्या मुसीबत आन पड़ी कि उन्होंने जनता से चंदा इकट्ठा करने का मुहिम चालू किया है। इसी को लेकर के NDA और जनता में काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ नंदिनी विनय और आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 138 साल पूरे होने को हैं, जिसको लेकर पार्टी के लोग में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। वहीं पार्टी के 138 साल पूरे होने पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के लिए एक डोनेशन कैंपेन का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है डोनेट फॉर देश। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आखिरकार ये कैंपेन क्या है और क्यों है। डोनेट फॉर देश पहल ऐसे समय में आई है जब पार्टी का खजाना खाली हो गया है और उसे अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के लिए धन की आवश्यकता होगी। कांग्रेस ने कहा कि यह कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के लिए धन जुटाने के लिए महात्मा गांधी के तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खड़गे ने कहा कि अगर आप सिर्फ अमीरों से पैसा इकट्ठा करते रहेंगे तो उनकी इच्छा के मुताबिक नीतियां और कार्यक्रम बनाने होंगे। हमारी पार्टी हमेशा वंचितों, दलितों, आदिवासियों, OBC, अल्पसंख्यकों और उच्च वर्गों के साथ रही है। हम उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल आम लोगों की मदद से देश बनाने की है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने कहा, यह एक अभियान से कहीं अधिक है। यह हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों को बनाए रखने और असमानताओं को पाटने और अमीरों का पक्ष लेने वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनने की प्रतिबद्धता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि हम अभूतपूर्व बेरोजगारी और बढ़ती लागत के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्राउड फंडिंग पहल में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन घटक भी है। 28 दिसंबर को पार्टी के 138 साल पूरे होने पर यह समर्थकों से 138 रुपए के गुणकों में दान करने के लिए कह रही है। उदाहरण के लिए 138 रुपए, 1380 रुपए या 13800 रुपए या अधिक। बेहतर भारत के लिए पार्टी को स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो ये जानकारी थी कि आखिर डोनेट फॉर देश कैंपेन क्या है और क्यों है। पर इस पे बीजेपी और सोशल मीडिया पर जनता क्या कह रही है, जरा ये भी जान लेते हैं। भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने 60 वर्षों तक भारत को लूटा, वे अब उसी देश से चंदा मांग रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि यह सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने का एक और प्रयास है। बीजेपी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस बड़ी बड़ी बात से मूर्ख मत बनिए कि यह क्राउड सोर्सिंग महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि वे महात्मा और तिलक दोनों को कलंकित कर रहे हैं। उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने के एक और प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी और जनता तो इस फंडिंग को कुछ दिन पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से आयकर छापे के दौरान बरामद किए गए कैश से भी जोड़ रही है। सोशल मीडिया पे हर तरफ यही बात हो रही है कि शायद कांग्रेस इस डोनेशन कैंपेन से इस आयकर विभाग के छापेमारी के दौरान अपनी खोई हुई राशि को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अब लोगों का यही मानना है कि जो सांसद धीरज साहू के घर से निकली हुई राशि है, उसे कांग्रेस वापस अपने पास लाने की कोशिश कर रही है। तो ये थी हमारे तरफ से डोनेट फॉर देश पर पूरी जानकारी। अब आप बताइए कि क्या आपको यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खुद को मजबूत करने के लिए क्राउड फंडिंग कर रही है, या फिर सच में जो धीरज साहू के घर से निकली हुई राशि है उसे वापस अपने तरफ लाने की कोशिश कर रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे साउथ ब्लॉक डिजिटल के साथ। नमस्कार।